तो हेलो गाइस, कैसे रूम सब बहुत ही अच्छे। तो भाई अभी मैं आपको आफ्टर अपडेट जैन कैरेक्टर में आपको बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा, तो वही मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं कैसे ये वर्क करेगा आफ्टर अपडेट। ठीक है, तो पहले कैसे काम करते थे, बहुत सारे बंदे इसको यूज करते हैं, उन लोगों को पता होगा कि यहाँ पर 60 टेम्पोरी एचपी देता था पहले, लेकिन यहाँ पर उसको चेंज कर दिया जाएगा। यहाँ पर एचपी आपको नहीं मिलने वाला आफ्टर अपडेट, यहाँ पर आपको शील्ड पॉइंट मिलने वाले 60 टेम्पोरी, एंड यहाँ पर 12 सेकंड्स तक ही ये वर्क करेगा, एंड कूल डाउन टाइम भी इसका सेम है, लगभग 75 सेकंड्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चेंजेस कहाँ पर होने वाला है कि यहाँ पर एचपी आपको नहीं मिलने वाला, आपको यहाँ पर शील्ड पॉइंट्स मिलने वाला है उसकी जगह। ठीक है, एंड इसमें एक बहुत बड़ा चेंजेस और एक किया गया कि जैसे मतलब मान लो यहाँ पर आपने इसको ऑन किया एंड यहाँ पर किसी बंदे को नॉक डाउन किया, ठीक है, नॉकडाउन यहाँ पर हो सकता है, एलिमिनेट भी कर सकते हो, मतलब अगर छोरों खेल रहे हो तो यहाँ पर आपका जो टाइम चल रहा था, मतलब 12 सेकंड से नीचे टाइम आता है ना, 11 आता है, 10 आता है, ऐसे करके आपका जो कैरेक्टर है उसका टाइम खत्म होता है ना, तो ऐसे ही ये खत्म नहीं होने वाला। अगर आप किसी बंदे को जैसे नॉकडाउन या फिर एलिमिनेट करोगे तो ये फिर से 12 सेकंड से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर खत्म ही नहीं होगा ये कैरेक्टर अगर आप 12 सेकंड के अंदर बार बार बंदे को नॉकडाउन या फिर एलिमिनेट करते रहे तो। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर मौका मिलेगा अनलिमिटेड सील पॉइंट्स कलेक्ट करने का, एंड यहाँ पर बस टाइम ही रिसेट नहीं होगा, इसका सील पॉइंट भी यहाँ पर रिसेट होता है, मतलब जैसे नॉकडाउन करोगे किसी बंदे को या फिर किल वगैरह करोगे तो यहाँ पर जो आपका सील पॉइंट है वो भी यहाँ पर बढ़ने लग जाएगा, एंड जैसा था पहले वाला 60 था तो वैसे फिर से हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा कुछ ऐसा सिस्टम वुकोंग कैरेक्टर में भी है, लेकिन उसमें क्या है कि कूल डाउन टाइम जो उसका था वो रिसेट हो जाता है, लेकिन इसमें उल्टा होगा, यहाँ पर जो इसका ऑन रहने का टाइम है या फिर इसका जो एबिलिटी है वो रिसेट हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि आपने अभी अभी इसको ऑन किया, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अनलिमिटेड टाइम आप कर सकते हो 12 सेकंड के अंदर ही आपको करना पड़ेगा, जैसे इसका टाइम जो खत्म हो जाता है तो उसके बाद अगर किसी नॉकडाउन करोगे या फिर किल वगैरह करोगे तो ये काम नहीं देगा, मतलब 12 सेकंड के अंदर आपको सारा कुछ करना है, एंड जितने बार भी आप नॉकडाउन करते रहोगे तो ये जीरो से फिर से बार बार ऐसे स्टार्ट होता रहेगा। ठीक है, सो आई होप यहाँ पर आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये जो एलईडी चेंजेस है वो कैसा लगा। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टाटा।